बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स की साइंस है हमारे पास लेक्चर नंबर 14, यूनिट नंबर 3 आपके पास टॉपिक जनरल फिजिक्स, और आपका जो सब टॉपिक है वो आज आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हमने देखना है। ओके, लेट्स सी। स्टेटमेंट 1 है आपकी, वॉल्यूम इज द साइज और द अमाउंट ऑफ डैश ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है ये असल में, या तो साइज है या मिकदार है किस चीज़ की जिसको एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया हुआ, ऑक्यूपाइड किया हुआ, तो वो होती है स्पेस। ठीक है, वॉल्यूम इज द साइज और द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। सेकंड है आपके पास अ क्यूब, डैश एंड अ स्फीयर आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेगुलर वॉल्यूम। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिलेंडर। ओके, यहाँ पर आपके पास जो रेगुलर वॉल्यूम की एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं क्यूब भी है, सिलेंडर और स्फीयर जो है ये एग्जाम्पल है किसकी, रेगुलर वॉल्यूम की, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। थर्ड स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब का वॉल्यूम किसका इतना हम लोग मेजर करते हैं, तो वो आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसके जरिए हम उसको मेजर करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज द यूनिट ऑफ मास इन एस साइज सिस्टम इज द डैश, जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है उसमें मास का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास केजी, किलोग्राम्स कहा जाता है। फिफ्थ है आपके पास देयर आर टू डिफरेंट ऑफ बैलेंसेस, यानी कि दो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंस होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो है दे आर डैश एंड डैश, दो जो है हमारे पास अगर हम देखें तो पहला होता है स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा है आपके पास कॉमन बैलेंस। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सिक्स, द स्प्रिंग बैलेंस कैन बी ग्रुप इन टू डैश एंड कंप्रेशन टाइप। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की बात करें तो उसके आगे फर्दर दो जो है कॉमन टाइप्स हम यूज करते हैं, एक उन्होंने आपको बता दी है कंप्रेशन टाइप और जो दूसरी है वो आपके पास एक्सटेंशन टाइप है। सेवन्थ है आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी अगर हमने मेजर करनी है तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेट इज मैस ओवर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एट्थ है आपके पास द डेंसिटी ऑफ द एयर इन आवर डैश चेंजेस विद एल्टीट्यूड, यानी किस डेंसिटी किस चीज़ की हमारे एल्टीट्यूड के साथ तब्दील होती है, तो वो होता है हमारा एटमोसफेयर। ओके, आज का लेक्चर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।